Hello and welcome to World Cup Bethak. I am Roha Nadeem and today I am joined by two very interesting people. पहले हमारे पास हैं अहमर नजीब our very own और हमारे साथ हैं उमर फारूक. इनके आप आर्टिकल्स पढ़ते रहते होंगे. ही इज़ अ वेरी रिनाउंड जर्नलिस्ट. और आज बिफोर वी स्टार्ट द शो पहले तो हम डिस्कस कर लेना कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो मैच हुआ करें डिस्कस के जरूर करें बिकॉज उसी से टेम्पो बनेगा. मोमेंटम टूटा हुआ उसी से बनेगा मोमेंटम. क्योंकि इतने लोग कह रहे थे कि बारिश ना हो जाए बारिश ना हो जाए. डू यू थिंक कि हो जानी चाहिए थी बारिश? क्यों बारिश होती है? लेकिन पाकिस्तान को आप अंडर एस्टिमेट ना करें. पाकिस्तान इतना भी बुरा नहीं खेला लेकिन यह कि गलत इंसान से होती है. शाहीन को स्ट्राइक दी क्या क्या लगता है व्हाट वाज गोइंग थ्रू हिज माइंड उस वक्त? इट वाज ऑलवेज लाइक दिस. आई मीन कहीं ना कहीं हम लोग जीत रहे थे तो चीजें छुप रही थी और टाइम टू टाइम इंटरवल्स में जो है वो बाहर आती हैं, पॉप अप करती हैं, बाहर आती हैं. So, yeah, but something is off with his captaincy. I mean, you can see it's very visible. You can't justify it. Sarfaraz Ahmed ko chahiye ye ki ab wo lead from the front kar le, wo kab apne aap ko promote bhi kare. Aur main to abhi tak ye soch raha hu waise ki Hafeez se pehle wo kyun nahi aate. Still my point ki unko Hafeez se pehle aana chahiye. Yeah, batting ki hum agar baat kare to everyone is saying ki you know maybe hamare bowlers ko open kar lena chahiye tha. You know jis tarah ki batting hui hai pichle match mein we saw Wahab Riaz some brilliant hitting. हसन अली उससे पहले देखने को मिला कि काफ़ी यू नो जोश था और काफ़ी दे वर ट्राइंग वेरी हार्ड टू टेक पाकिस्तान होम लेकिन बस नहीं हो सका. उसके बाद बॉलर के साथ रोज रोज नहीं होने वाला ये कभी कभी जैसे वन ऑफ थिंग. और जो आपने सरफराज की बात की लेट्स गेट मोर रेशनल अबाउट दिस. देखें आपका मिनरल ऑर्डर जो है वो कन्फ्यूज है. आपने जो भी इसने हफीज की बात को टच किया एग्जैक्टली हफीज़ का रोल जो हफीज़ का रोल है जो बेसिकली सरफराज को प्ले करना था. एकदम से जब आप एक वेस्ट इंडीज़ के गेंद मैच हारे फिर आप इंग्लैंड से जीते तो आप कंफ्यूज हो गए कि हमारा ये आइडिया सही था कि वो आइडिया ठीक था. तो दिस इज़ हाउ द मिडल ऑर्डर इज ऑल आई मीन एक मडलअप हो गया मिक्सअप हो गया कि हमें क्या करना है. अगर सरफराज नंबर चार या नंबर पाँच पे बैटिंग नहीं कर रहा तो उसको नीचे भी बैटिंग नहीं करनी. ऑस्ट्रेलिया के मैच पे तो हमने बात कर ली काफ़ी पेनफुली वी हैड टू गो थ्रू दिस. बट अब बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के मैच के बारे में विच आई एम श्योर जब से स्केड्यूल अनाउंस हुआ है द मोस्ट अवेटेड गेम फॉर पाकिस्तानी फैंस एंड ऑफ कोर्स फॉर द इंडियन फैंस एज़ वेल इज़ द पाकिस्तान एंड इंडिया इनकाउंटर जो कि अब करीब आता जा रहा है. यू नो इट्स द मदर ऑफ ऑल गेम्स और बैंटर तो शुरू हो गया. यू नो आर यू इन द स्पिरिट येट? या एग्जैक्टली फ्रॉम लास्ट 2-3 डेज स्पेशली जब वी वन द इंग्लैंड गेम स्पेशली जब हमने देखा मैं लव अब आई एंड अब जब इवन के ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जब आमिर ने परफॉर्म किया तो ऐसे लो भी इंडिया देख रहा है कि नहीं देख रहा आमिर को. So this is how we as a journalist pumped up ke bhai ab bahut maza aane wala hai. Am I are you excited? I'm excited aur Pakistan mere mujhe umeed hai Pakistan theek hai on paper India jo hai wo mazboot hai lekin ye Pakistan ki team hai jo ki anhoni karti aayi hai. Ek hamare hum wo aapne suna tha na Nasir Hussain ne ki 1 minute down next minute up. Ye tha ki hamara wo wala ho gaya ki next minute down wali baat ho gaya but next minute up wali baat aayegi. Do you want this to be a washed out game? No, or I want this to be played because so many eyes are on this match because ekdam se na game world par baith gaya hai. So this is the game. मतलब दिल भी नहीं एक तो डर भी है. यू नो एज पाकिस्तानी फैंस यू कैन नेवर रियली यू नो आप श्योर नहीं हो सकते हो कि इंडिया के साथ हम कैसा यू नो व्हाट पाकिस्तान विल टर्न अप. लेकिन फिर ये भी नहीं चाहते कि बारिश हो जाए. अगर बारिश अगर होगी तो हम सेटिस्फाई नहीं रहेंगे बिकॉज बैक इन आवर माइंड व्हाट इफ यू नो फ्लूक था. We want to make it like क्या लगता है ये फ्लू दोबारा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. लोगों की तैयारियां हैं. इसको क्रिकेट की चांद रात वैसे नहीं कहा जाता. इंडिया पाकिस्तान की चांद रात हम इसको कह रहे हैं. अच्छा क्या what team would you play? जितने लड़के हम बाहर निकालना चाह रहे हैं हमारे पास उतने लड़के हैं नहीं है वापस खिलाने के लिए. पहले तो एक let's go over this पहले. Would you play Malik or not? See against India, I would gonna play him because लेकिन देखें यही एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान की कि वी हैव अ नो हमें सेट पैटर्न हमारे पास है ही नहीं है. लड़के फॉर्म में ही नहीं है आपके मिडल ऑर्डर में. बट अगेन इट्स अ वेरी टफ कॉल टू ड्रॉप मलिक बिकॉज जैसे आप आमिर पे बैट लगाते हैं ना कि आमिर कुछ ना कुछ करेगा तो शुएब मलिक इज अ काइंड ऑफ प्लेयर जो कि अगेंस्ट इंडिया इज अच्छी उनका एक है अगेंस्ट इंडिया. अच्छा व्हाट अबाउट शादाब एंड इमाद? मैं भी आपकी भी टीम पे मैं भी आता हूं. इमाद या इमाद इज अ टफ कॉल. शादाब डेफिनेटली डेफिनेटली वो जो रन्स की बात की बिल्कुल वो 15-20 रन बचाता है फील्डिंग में ही सो यूजफुल वहां पे. प्लस यू नो अगर कभी हमें याद होगा फाइनल में दैट डीआरएस वाला यू नो अभी रिसेंटली भी हम लोगों ने देखा कि ही इज वेरी प्रेजेंट ऑन द फील्ड तो ही सेव्स यू रन्स एज वेल एंड यू नो फिर ऑब्वियसली उनका बॉलिंग में भी वो एक्स फैक्टर. बट जो इमाद की आप बात कर रहे हैं प्रॉब्ली या इमाद कुड कम इन इजीली बट
बात वही है, जितने लड़के बाहर बैठे वाले क्या हमारे पास उतने लड़के हैं खिलाने के लिए? वी डोंट हैव मच। कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं इंडिया के साइड के यू नो दैट वी हैव टू वॉच आउट फॉर पाकिस्तानी बैटिंग ऑर्डर को जिनका बहुत यू नो रखना पड़ेगा? देखिए रोहित, विराट कोहली और पांड्या, ये तीन प्लेयर हैं जो एक्स फैक्टर हैं, जो आपको आपकी आपके जितने नर्व्स हैं उनको ब्रेक कर सकते हैं। देखो ना, आई मीन वहीं पे ग्राउंड में आपको मैच आपके मेंटली तौर पे आपको गेम हरा सकते हैं। रोहित कोहली एंड केएल राहुल। और पाकिस्तान के ऐसे कौन से प्लेयर्स होंगे जिनके लिए इंडिया विल रियली हैव टू प्रिपेयर हार्ड फॉर? फखर नीड्स टू, आई मीन आई एम श्योर फखर इज नॉट दैट बैड, अभी तक भूले नहीं है वो, भूले नहीं है। आई नो आई मेट हिम कपल ऑफ टाइम बिफोर द वर्ल्ड कप एंड I know his side. So how important is it for Fakhar to perform against India? It's very, I mean, he's an X factor. Pakistan team mein sirf 2 se 3 X factor hain. Hafiz, Fakhar and Aamir. Baki aapko koi match nahi jita ke dega. Babar pe hum kehte rahe ki Babar is the key, but Babar is not going to win your game. He probably can build you a game and later on aap usko niche Asif Ali pick kare game ko ya kuch kare. Otherwise Hafiz, Fakhar and Aamir, they are the three key players jo ke jo aapko game ko jita sakte hain. Prominently, significantly. Wahab को नहीं आप count कर रहे हो इसमें? Wahab को मैं बिल्कुल count कर रहा हूँ। His vivid, I mean his vivid, you, probably he can give you a strike, match बना के दे देगा, लेकिन आपको शायद जीतने के लिए आपको आपको बैटिंग चाहिए। What about Aamir versus Kohli? Yeah, that would be interesting. That battle, you know, we've all been waiting for that. This is exactly what we want this game to happen because we know Virat Kohli is the best batsman in the world. True. और पाकिस्तान किसी ने कभी उसको टेस्ट किया नहीं किया, आमिर तो ओनली गाय हु कैन टेस्ट हिम, कैन ओपन द इंडिया बैटिंग लाइनअप, खुल के सब कुछ कर देगा वो। और यही कॉन्टेस्ट देखना है और यही क्रिकेट देखने का मजा है। नंबर्स, स्टैट्स, कितने रन किए, दैट्स अदर थिंग, बट आपका कॉन्टेक्स्ट देखना है आपको, कोहली वर्सेस आमिर, दैट्स ऑल। उमर एंड अहमर, आप दोनों का मैन ऑफ द मैच कौन था फॉर यू नो लास्ट मैच पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का? वार्नर डिड अ डिफरेंस, आई मीन ही मेड अ डिफरेंस इन द गेम, बट आई गो फॉर स्टार्क। व्हाई? बिकॉज उन्होंने नीचे आके एकदम से खलबली मचाई और ही पुल्ड एवरीथिंग, बिकॉज़ मेरा मैन ऑफ द मैच फॉर श्योर मोहम्मद आमिर था। और क्योंकि जस्ट लाइक अहमर जो है ना वो सही पाकिस्तान फैन है ना, इवन यू नो डिस्पाइट द लॉस, ही लाइक आमिर इज माय मैन। आमिर आमिर पहला फाइवर था उसका वनडे क्रिकेट में, वो भी वर्ल्ड कप में और इतने बड़े स्टेज में, तो भाई आमिर ही आमिर। जी जी, हारा हुआ मैच था ना। अच्छा यार, लेट मी, अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा मैन ऑफ द मैच कौन था फॉर द लास्ट गेम अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। इट वाज this uncle, you know, jinki meme aap sab log ne, it went viral, and I mean there are no two ways about it. Ye banda pura match ek taraf hai, Pakistan haar raha hai, you know, galiyan pad rahi hai, har cheez ho rahi hai, and then there's this one meme and everyone's relating to it, and yaar what a golden moment in the history of cricket world cup. You know, aap dekho ke, you know, very rarely do we see something, ye aisa kuch hota hai Pakistan kisi bhi game mein, you know, कि इतनी वायरल हो जाए कोई चीज़ कि यू नो इंस्टेंटली एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, यू नो मीम्स बन रही हैं, एंड इतना ज़्यादा हो गया कि इवेंचुअली दे हैड टू ट्रैक हिम डाउन अगेन फ्रॉम द ऑडियंस, फिर उनके साथ जाके इनका नाम बाय द वे है मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद अख्तर साहब, अगर आप ये देख रहे हैं वीडियो तो लेट मी जस्ट से कि आपने जो आपके जो इमोशंस थे उस वक्त, वी ऑल अंडरस्टैंड, आपने घबराना नहीं है, बॉयज गॉट दिस, अगले मैच में आप जरूर आए देखने, और आप पे हम दोबारा से वी वांट के कैमरा आप पे पैन हो, एंड देन वी वांट टू सी यू स्माइल। अच्छा रोहा, ये यू नो इनको इनको गेस्ट बुलाएं अगले मैच में, एंड वी वांट यू नो उनकी एक टॉस करवाएं से। अच्छा वो रोहा, अगर मीम्स का वर्ल्ड कप हो ना, माय सिस्टर ये भी रिक्वेस्ट है कि आप मीम्स का वर्ल्ड कप करें तो पाकिस्तान फॉर श्योर जीतेगा और बड़े मार्जिन से। यार हमारी हम जो कंटेंट हम वहाँ पे बना रहे हैं ना, मतलब अपनी टीम हार रही है वहाँ पे, पॉइंट्स नहीं मिल रहे हमें, लेकिन यू नो सो ओरिजिनल, इट टोटली रिफ्लेक्ट व्हाट पाकिस्तान इज ऑल अबाउट, यू नो। अच्छा उनके बाद एक इंटरेस्टिंग मोमेंट था कि उन्होंने अपने आप को कैसे रोक के रखा हुआ था, उनकी जो एक्सप्लेनेशन थी कि आई डोंट वांट टू स्क्रीम ऑन हिम, व्हाई, बिकॉज़ ही हैड अ टैलेंट ट्रेजेडी, एंड ये तो सोचे कि वो कितना कुछ अंदर समा के रखा होगा उन्होंने अपने अंदर, क्या करना चाह रहा होगा वो। मोहम्मद अख्तर वाज ऑल ऑफ अस इन द लास्ट गेम, द एंटायर नेशन, you know, we felt, that is why this went so viral, because you know nothing else could even encapsulate that feeling better. An expression was so true, matlab kamal kar diya hai, aur pakistani jo nation hai na, unki quality hai ki wo nano second mein memes banate hain, matlab usko phone se record karte hain aur fir likhte hain, tweet karte hain, matlab amazing. And yaar abhi india pakistan ka match hua bhi nahi hai, and we already have the meme of the tournament, you know, in my opinion.
गॉड ओनली नोस अगले मैच में हमें क्या क्या कंटेंट मिलने वाला है। भाई बड़े मजे मजे की वीडियोस भी दोनों अतराफ से आ रही हैं, कप चाहे कि कप पे हो रहा है, कभी कोई किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, और यही वीडियोस जो है ना ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा फैंस को पंप अप भी करते हैं क्रॉस द साइड्स, और मतलब ये कि चांद रात का सीन बन रहा है इस तरह। अच्छा मैं आई वांट टू आस्क ऑल ऑफ यू कि आप लोग कैसे रिलेट करते हैं विद दिस मीम, यू नो आप लोग कमेंट में लिखें, जरूर कमेंट्स में लिखें कि हाउ डू यू रिलेट टू मोहम्मद अख्तर, यू नो किन मोमेंट्स पे ड्यूरिंग द डे आपको फील होता है कि बस यू नो। उमर यू टेल मी, आप अपना बताएं, कोई व्हेन डू यू रिलेट टू हिम द मोस्ट, यू नो कोई ऐसा। यही है कि जब घर जाते हैं तो वालदा या बेगम कोई ऐसी बात करते हैं और सारी मेहनत करके आप आए हो, सारा कुछ वो कोई ऐसी बात कर दें जो कि बिल्कुल अलग हो, आई डोंट वांट टू कोट दैट थिंग, बट आप कहते हो आप क्या करें यहाँ पे, अजय जस्ट वॉक अवे। हाँ मुझे जब मामा कहें कि भाई तुम जाके रोटियां ले आओ बाजार से या कोई और दही वही ले आओ जाके, और वो दो घंटे बाद है और मैं फिर मोबाइल पे लगा हुआ हूं, आई थिंक हमारी अम्मियां जो है ना वो दे वुड यू नो रिलेट द मोस्ट टू दिस। खैर ये तो बात हो गई मीम की, हम आगे चलते हैं। इम्पॉर्टेंट एक और ट्वीट बड़ी इम्पॉर्टेंट मैंने डिस्कस करनी है। रसल आर्नल्ड ने ये बोला लास्ट मैच में, यू नो सीइंग हाउ पाकिस्तान वाज परफॉर्मिंग ही सेड कि दिस लुक्स लाइक अ पॉइंट ड्रॉप्ड फॉर श्रीलंका द अदर डे। क्या इतना बुरा खेले हम कि यू नो अब नाउ पीपल फ्रॉम श्रीलंका यू नो एक्सपर्ट्स आर सेइंग कि मे बी यू हैव जस्ट टच अ पल्स, आई मीन इवन आई वाज शॉक्ड कि पूरे पाकिस्तान ने ये परसेप्शन क्रिएट कर दिया कि हमारे पॉइंट थे जी। हाँ। ऐसा नहीं होता, जरूरी नहीं है ऐसा। या देखो क्रिकेट में यू आर नेवर श्योर, राइट अहमद, मतलब बिकॉज उसी मैच में श्रीलंका उसका प्रीवियस मैच था, दे स्टार्टेड टू गेन मोमेंटम, और पाकिस्तान इज द ओनली टीम जो किसी टीम से भी हार जाएगी किसी दिन तो जितना चांस पाकिस्तान का था जीत भी सकती है, सो यू नेवर नो, जितना चांस उनका था उतना चांस उनका भी था, बट अगेन इट्स अ गेम। मेरे ख्याल में तो रसल आर्नोल्ड जो थे थोड़ा सा अथर अली खान को मिमिक कर रहे थे उस टिपिकल मोमेंट पे, लेकिन बीइंग इन पाकिस्तानी और मैं जरा बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होता हूं तो दो पॉइंट्स पाकिस्तान के थे। अच्छा अभी बहुत बैशिंग हो गई है, आई थिंक अब हम थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ आते हैं। सरफराज अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था, यू नो आफ्टर द होल इंसिडेंट जिसमें इंडियन फैंस ने स्मिथ को काफ़ी बू किया था, तो उसके बाद फिर सरफराज से पूछा गया ना कि यू नो व्हाट वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दैट, कि पाकिस्तानी फैंस अगर कुछ ऐसे सिमिलर पुल ऑफ करें तो आप क्या करेंगे उस मोमेंट में, एंड ही सेड के यू नो हमारे फैंस ये नहीं करेंगे बिकॉज यू नो वी लव द गेम एज वेल। तो ये कॉमेंट जब उनकी तरफ से आया उसके बाद फिर हमने देखा कि डेविड वार्नर ने अपनी स्टोरी पे इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था कि ही वाज ओवरवेल्म्ड बाय दिस रिसेप्शन, एंड देयर इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ यू नो हिम फील्डिंग इन द डीप एंड ही इज रनिंग, और पीछे से देयर इज दिस मॉब ऑफ पाकिस्तानी फैंस हु आर यू नो होल्डिंग आउट देयर आर्म्स। तो ये यू नो ये काफी पॉजिटिव एक नजर आता है पाकिस्तानी फैंस की तरफ से कि यू नो दे प्रूव्ड देयर कैप्टन राइट एट द एंड। सी पाकिस्तान जब गेम को फॉलो करने की जो एक फिलॉसफी है कंप्लीट डिफरेंट, हमने यहां पे आमिर को भी एक्सेप्ट कर लिया, हमने सबको एक्सेप्ट कर लिया, ये चीज है, और वार्नर इज द मोस्ट लाइकेबल प्लेयर इन पाकिस्तान, द काइंड ऑफ प्लेयर ही इज, आई मीन पाकिस्तानी जो है वो क्रिकेट को बड़े प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं, दे आर वेरी लवेबल टुवर्ड द क्रिकेटर और क्रिकेट की तरफ। तो आई मीन आप क्या कहते हैं इस पे, देखो पाकिस्तानी हमेशा ओपन रहते हैं और हर किसी के लिए ओपन, इवन वो अभी शर्जील खान के लिए भी ओपन है कि कब पाकिस्तानी टीम में वॉकआउट करेगा, तो मैं तो आसिफ के लिए भी इवन, और आप जितना प्यार इस आवाम को मोहम्मद आसिफ से है अभी तक किसी से भी नहीं हो सकता, यू नो बिकॉज ऐसा ही, और मैं समझता हूं कि अगर he was a very talented बॉलर, दो स्टेप्स और ले लेता ना तो वो जादू की झप्पी भी देनी थी वहां पर। हमारे एक बहुत और इंपॉर्टेंट सपोर्टर है शनेरा अकरम ने ट्वीट की कि आई वाज बोर्न एंड ब्रेड इन ऑस्ट्रेलियन बट आई हैव कम टू लिव माय लाइफ फॉर एंड विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान। यार व्हाट अ ब्यूटीफुल सेंटीमेंट, यू नो मतलब इतना प्यार उनको मिलता है इस कंट्री से एंड देन यू नो शी गिव्स इट ऑल बैक। ऑफ कोर्स आई मीन दिस इज द थिंग आई वाज टॉकिंग ऑफ एयर के probably the other side of Shoaib Malik Sania hoti to kitna generousness show na hoti but it was tremendous, I mean ye ek message deta hai ki we are backing aur ye wo hai, I mean this is pakistaniyat jo hum warner ki hum baat kar rahe the itna itne pyar aur itni mohabbat milti hai. Unhone tweet mein likha tha ki jab match shuru hua na to I wasn't sure what side I was on but when I saw the boys in green you know walk into the field then the answer was very obvious, you know matlab you know our passion is so you know widespread ki you know it swept away even you know an Australian supporter, you know. Yeah. So that is. It was good. Cricket fever is truly. भाभी हो तो ऐसी हो बस, मैं तो ये कहूँगा कि मतलब. भाभी goals. भाभी goals. भाभी goals यार. खैर अभी before we end the show, I want to take your advice. You know, आप सरफराज और boys को before the India game, what would you like to advise them? क्या game plan? कुछ भी कोई भी motivational pep talk. Just from Umar Farooq. Be in your senses.
डोंट लूज इट दैट्स ऑल आई मीन पाकिस्तान के पास स्किल सेट की कोई कमी नहीं है जस्ट बी इन योर सेंसेस अपने आप को छोड़ना नहीं आपने दैट्स ऑल आई मीन अब क्या आप पाकिस्तान को अच्छे बैट्समैन आप कोच हैं इस वक्त पाकिस्तान के ठीक है सी आई डोंट वांट आई डोंट वांट कि आप बल्ला ऐसे पकड़ें बॉल ये करें इट्स नॉट अबाउट स्किल सेट नाउ दिस इज ऑल अबाउट नहीं बताऊंगा एग्जैक्टली आई मीन एग्जैक्टली बिकॉज जब आप रोप क्रॉस करते हैं अगेंस्ट इंडिया इट्स ऑल गॉन जस्ट बी इन योर सेंसेस दैट्स ऑल और कोई बात नहीं फोन बंद कर दें एक दो दिन पहले से फोन बंद कर दें एक दिन पहले डोंट टॉक टू एनीवन जस्ट एमर एमर हाउ आपकी क्या एडवाइस है boys ke liye before the all important game safraz sabse pehle main aapko ye kehna chahunga ki ghabrana nahi hai aapne pehle karke dikhaya aapne is qoum ka fakhr se sar buland kiya hai aap hi the jisko koi chance nahi de raha tha aapko koi likh nahi raha tha kagzaat mein champions trophy aapne karke dikhaya आपने करके दिखाया है और इंग्लैंड को हरा के आपने प्रूव किया कि आप फिर भी कर सकते हैं एक बात याद रखिएगा कि मैदान में उतरते वक्त शिकस्त को जहन में नहीं रखना है यानी कि मैं अपने कैप्टेंसी के डेज में हमेशा जीत जहन में लेके उतरता था और एक बात आपने याद रखनी है आप अकेले नहीं खड़े पूरी 22 करोड़ आवाम आपके साथ खड़ी है और उनके आगे फ्रंट पर आपका एक कप्तान आपके साथ है और इंशाल्लाह आप इस पॉजिटिव अप्रोच के साथ मैदान में जाएंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि 16 जून को इंशाल्लाह ताला ये मैच पाकिस्तान का होगा एंड पाकिस्तान जिंदाबाद वाओ कप्तान आपके साथ हैं हम सब आपके साथ हैं वी आर ऑल बिहाइंड यू सरफराज एंड बॉयज ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच और बस नेचुरल गेम खेलें yeah. लेकिन गलतियां कम करें प्रेजेंट रहें फील्ड पे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जस्ट यू नो डू योर बेस्ट यू नो अगर आप हारे भी तो फाइट करके हारें यू नो वी ऑल बीन वेटिंग फॉर दिस मैच तो कॉन्टेस्ट बहुत अच्छा होगा गिवन दैट वी डू हैव अ कॉन्टेस्ट आई रियली होप यू डू एंड दिस वॉज वर्ल्ड कप बैठक आई रियली होप कि यू इन्जॉयड आवर लिटिल डिस्कशन ऑन द गेम्स एंड वी विल बी बैक आफ्टर द इंडिया पाकिस्तान गेम होपफुली विल हैव we would have had a great game by then aur fir hum usko discuss karenge and thank you so much for watching bye bye